राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा, मर्यादा पुरुषोत्तम के छवि आपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के राम कथा में सब दर्शक लोग के स्वागत बा। काल के कथा में गोस्वामी जी सत्संग के महिमा सुनावतने ओकरे वर्णन के लिए जा। स्वामी विवेकानंद एक बार हिमालय के चढ़ाई चढ़त रहे, गोड़ में फफोला पड़ गई, बहुत दुखी हो गई, बैठ गई नहीं। तो ये गोस्वामी जी साथ में रहे तो वहाँ का समझेने कि जीवन में एक बार में एक ही कदम चले के पड़ेगा। एक कदम चले और फिर आराम करके आगे बढ़े। स्वामी जी विवेकानंद जी वैसे ही कहने और देखत देखत में हिमालय की चोटी पर पहुँच गए। स्वामी विवेकानंद के मन में विचार आए कि जन महात्मा हमरा के ऐसे गूढ़ ज्ञान देनी है तने उनकर परिचय जाना लिया। पूछने कि स्वामी जी रउआ अपना बारे में तनी बताई हमरा के, रउआ कैसे साधु भाईनी। तो स्वामी जी बतावे लगने कि हम एगो चोर रहे, जिंदगी में चोरी करके भरण पोषण हमारे चलत रहे। एक दिन पौहारी बाबा के आश्रम में हम चोरी करे गए नहीं, कुछ सामान लेके वहां से हम भगने, रात भर भागत रहने, बकरे वहां से बाहर ना निकल पाईने। हार के हम इस सोचने कि बाबा हमरा से मजबूत थोड़े बने, बाबा मिल भी जाए तो का होई, और ज्यादे मजबूत होके तो सामान दे के फिर भागे। बाबा सामने आई नहीं, चोर डराइल डराइल बाबा का लगे खड़ा भइल, सोचलक कि ये समनवा दे के फिर भागे। वहां के स्थिति एकदम अलग रहे, चोर अलग ही डराता, और बाबा चोर के चरण में गिर गई नी, गोड़ पर गिर के कहता नहीं, हे नारायण रवा ही तनी सा सामान लेके भागता नहीं, तनी सा सामान लेके जाता नहीं, हे बाकी सामान के ले जाए, हम एक रखवारी करत करत थक गई बानी, रवा सब ले जाए हमरा के भजन करे दी। तो स्वामी जी बतैनी स्वामी विवेकानंद जी के कि वही दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। ई मन में आई कि ये दुनिया में ऐसन आदमी बा जे चोर में भी भगवान के दर्शन कराता। वही घड़ी हमरो मन बदलल, हम उनकर शिष्य बन गए। बतावल ई जात रहल हा कि सत्संग के महिमा बहुत अपार बा। सत्संग ही जीवन के आधार हा, जेकरा जीवन में सत्संग मिल गेल बा ओकरा भगवान भी मिल जाई है और संसार भी मिल जाई। एक बार राजा प्रसेनजीत के यहाँ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध गईने, वहां उपदेश देला के बाद रात में बुद्ध भगवान के कहीं जाए के रहे। राजा का खबर मिलल कि जहां बुद्ध भगवान जाता नहीं वो रास्ता में जंगल बा और अंगुली माल नाम के एगो डाकू रहेला, सब लोग की अंगुली के काट के माला पहन लेवेला और लोग के हत्या कर देवेला, मुआ देवेला। भगवान बुद्ध का लगे आईनी राजा प्रसेनजीत और कहे लगने कि हे तथागत, रावण जिंदगी हमने खातिर बहुत कीमती बा, अमोल बा, रुवा जोना मार्ग से जोना रास्ता से जाता नहीं है वो रास्ता बहुत खतरनाक बा, उमे उंगली माल नाम के वो डाकू रहेला, उरवा के ना छोड़ी। भगवान बुद्ध मुस्कुराए लगने और कहने कि हे राजन, वैद के जरूरत वहां ना पड़ेला जहां स्वस्थ निरोग लोग रहो, डॉक्टर वैद के जरूरत वहां पड़ेला जहां लोग बीमार होखो। हमार जरूरत तहरा नहीं के, हमार जरूरत तो अंगुली माल के बा। भगवान बुद्ध ये कह के वहां से चल देने। घोर अंधेरी रात रहे, अनहरिया
वो जंगल में से जब भगवान बुद्ध निकलनी तो एक आवाज आई कि ठहर जा। तो भगवान बुद्ध कहनी कि हम तो ठहर कहनी, तू कब ठहरबा? आज तक अंगुली माल का ऐसन केहू ना भिटाए रहे कि उलट के उनका के जवाब देओ। अंगुली माल भी सोचे लागल कि ये कैसन आदमी बा, एकरा डर नहीं खे लागत, कलक के तोरा डर नहीं खे लागत, हम तेरा अंगरी के काट के माला पहन लेब, तेरा के मुआ देव, तेहर मुड़ी काट दे। भगवान बुद्ध हसत हसत कहनी कि हमरा पता बा कि तू हमरा के मरबा, हमार अंगुरी काट के माला पहन लेबा, हमार मुड़ी काट देबा, बाकी जब हमरा मरही के बा तो तनी हमरा कुछ प्रश्न के जवाब दे दा। उंगली माल कलक जल्दी बतावा, पूछा कुछ जल्दी, और केहू आवत हुई वह लोग के इंतजाम करे के बा। भगवान बुद्ध कहनी कि गाछ पर से एगो पत्ता तोड़ सकेला। उंगली मार हसल के बड़ा मूर्ख बाई, हम लोग के मुड़ी काट देते नहीं, गाछ के पत्ते नहीं के तोड़ सकत, एगो पत्ता तोड़ के देखैलक कि ल तोड़ देनी। भगवान बुद्ध कहनी कि तनी करके लगा दो, फिर जहाँ रहला जहाँ रहला वही जा लगा दो। उंगली माल कहे लागल कि मूर्ख नहीं खे पागल बा, कहीं टूटल पत्ता फिर से जुड़ा ला। भगवान बुद्ध कहने के हे उंगली माल, तू जोड़ निख सकत तेरा तुरहों के अधिकार नहीं के, तू केहू के जिंदगी निख दे सकत तो केहू के जिंदगी लेवे के अधिकार भी तेरा नहीं के, सब भगवान सृष्टि बनावतनी और वह के ही सब हाथ में रहेला। इतना सुनते ही उंगली माल भगवान बुद्ध के गोड़ में गिर गई, रोए लगल और ओकरा मुंह से यह निकलल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उंगली माल बौद्ध भिक्षु हो गई, संत बन गई। दुनिया के गो रीति बा, लोग अपना जीवन के अच्छा बनावेला और दूसरों के उपदेश देवेलन लोग कि दुनिया अच्छा बन जाओ, बकर जब अपना से केहू अच्छा बने लागेला तो उनका जलन होके लागेला, दाह होके लागेला कि हम तो निमन बानी, तू हो निमन बन, बाकी हमरा से बेसी निमन मत बना, हमरा से बेसी निमन तारा बनला की जरूरत नहीं के। भगवान बुद्ध के संग में बोध भिक्षु में शामिल हो गए उंगली माल, बोध भिक्षु हो गए। राजा प्रसेनजीत एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन कर खातिर वहां पहुंच ले और कहले कि हे तथागत, इतना बड़ा खूंखार डाकू साधु हो गई, उंगली माल और साधु बन गई, बोध भिक्षु बन गई, हम ऐसा खूंखार आदमी के देखले नहीं की, तनी दूरे से हमरा के उंगली माल के दिखा देव कि कैसन होला। भगवान बुद्ध कनी के जन सामने साधु बैठल बा यह उंगली माल हम। राजा घबड़ेले कि हम एकरे सामने एकरे बारे में पूछा तो नहीं। एक दिन एगो घटना घटल कि भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य लोग वहां पहुंचल, कहला लगल कि बाबा हे तथागत, राउर जोन प्रेम हमनी का मिले के चाहे वो नहीं मिलत, जोन कृपा राउर हमनी पर होके के चाहे वो नहीं होत। तो भगवान बुद्ध कहनी कि हमरा के उसे प्रेम करे के जरूरत ना पड़ेला, हमरा प्रेम के हवा तो बहता, हमरा प्रेम के धार तो बहता, जेकरा लगे पात्रता बा ओकरा ही प्रेम मिल जाला और जेकरा लगे पात्रता नहीं खे ओकरा ही प्रेम ना मिलेला। अब शिष्य लोग बड़ा दुखी हो गई कि अब बताई बन गई बात कि हमने 20 वर्ष से ध्यान लगावतनी, इतना दिन से भगवान बुद्ध के सेवा करतनी और अब ही ले हमनी के पात्रता ना भइल कि यहाँ के प्यार हमनी के मिल सको, काल आइल बा, कतना हत्या कैले हुई, कतना लोग के प्राण लेले हुई और ये एकरा इतना पात्रता हो गई कि एकरा भगवान के प्यार मिल जाता, एकर परीक्षा ले आई, एकर परीक्षा लेवल जाइए। तो भगवान बुद्ध कनी के ले लिया परीक्षा, बोलावल गई उंगली माल के और भगवान बुद्ध कहनी कि तहार परीक्षा ली आई, चल जा जहां के लोग के मुड़ी कटले बड़ा, उंगली कटले बड़ा, वही जाके भिक्षा मंगिया। भगवान बुद्ध पूछनी की उंगली माल, जे तहरा नाम से डेरात रल, आज उहे लोग ईटा पत्थर फेंकलख, मरलख लोग, बकर तू पलट के जवाब ना दिला। तो उंगली माल कहले कि हे तथागत, हम उघरी अज्ञानी रनी, रुवा
कृपा से हमरा ज्ञान प्राप्त भई। जौन कृपा रउआ हमरा पर कैनी वह कृपा यहू लोग पर कर दी। कथा सुनावल जात रहल है कि अंगुली माल के परीक्षा ले आई। भगवान बुद्ध अंगुली माल से कहने की, हे अंगुली माल, तू जा ओ गांव में जहाँ के लोग की अंगुरी कटला। अंगुली माल गई और जाके कहता कि भिक्षाम देही, हमरा के भिक्षा दी। हम वह अंगुली माल हुई जे रुआ पति के मार के रुआ लोग के विधवा कैलक। हम वह अंगुली माल हई जे रुआ घर के बाल बच्चा के मार के घर आंगन सुना कैलक। हमरा के भिक्षा दी। भिक्षा तो केहू ना देलक, ईंटा पत्थर से मारे लगल लो, सब केहू छत पर चढ़ गई, एने उने लुका गई। उंगली माल लहूलुहान होके गिर पड़ले, बेहोश हो गए। भगवान बुद्ध ये सब देखत रही अपना शिष्य लोग के साथ ऐनी आके मन हम कहनी भाव साफ कहनी पानी छिटनी ओकरा मुंह पर। उंगली माल होश में आई। भगवान बुद्ध पूछने की, उंगली माल जे तहरा नाम से डेरात रलो आज उहे लोग ईटा पत्थर फेंकलक हो मरलक हलो, बकिर तू पलट के जवाब ना दिला। एक बार खड़ा हो जाता तो सब लोग भाग जाते। तो उंगली माल कहले कि हे तथागत, हम उघरी अज्ञानी रनी, रुवा कृपा से हमरा ज्ञान प्राप्त भई। जौन कृपा रुवा हमरा पर कैनी उहे कृपा यहू लोग पर कर दी। उहे ज्ञान यहू लोग के दे दी। ये लोग अज्ञानी भाई लोग का नहीं बुझात की का करता लो। इस सत्संग भगवान बुद्ध कहने की यह कर पात्रता कि साधारण आदमी रही तो वह ईटा पत्थर लेके मारे पड़ जाए। अभी तो स्थिति ये बा कि क्यों बाबो लोग खिसी आ जाए। तो ये तो उंगली माला सत्संग के महिमा के वर्णन गोस्वामी जी कहनी। ओकरा बाद गोस्वामी जी अवधपुरी के वंदना करतने, बंदौ अवधपुरी अति पावन। ओकरा बाद कौशल्या जी के, दशरथ जी के प्रणाम करके, परिजन सहित जनक जी के प्रणाम कैनी। फिर भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब लोग के प्रणाम करके हनुमान जी के प्रणाम करतने। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान चासु हृदय बसहि राम सर चापो धर। प्रणव पवन कुमार, पवन कुमार के वंदना हम करतनी। ऐसन गोस्वामी जी लिखतनी कि जिनका हृदय में राम सीता जी विराजमान रहेनी, राम जी धनुष बाण लेके वहां विराजनी, ऐसन हनुमान जी के वंदना कहनी। ओकरा बाद सुग्रीव, जागमंत, विभीषण, अंगद, पशु पक्षी, देवी देवता जितना लोग रहे सबके स्तुति कहनी। और उनकर उपासक जे भी बा, सुखदेव, सनकादिक, नारद मुनि, भक्त जन सब लोग के वंदना गोस्वामी जी कहनी। ओकरा बाद जानकी जी के वंदना करतने। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो निधान की, अतिशय प्रिय करो निधान की, आके जुग पर कमल मना जा सुकृपा
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी के वंदना गोस्वामी जी कहनी कहतनी जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये कथा आगे और बढ़ावल जाए, थोड़ा देर खातिर विराम लिया था। श्री राम, जय जय राम। हमने जितना आदमी संसार में बा रोज मंदिर पूजा पाठ करे जाला कि भगवान जी मिली है, बाकी मन में ये रहेला कि पता ना मिली है कि ना मिली है। मान ली कि कथा रो सुनत नहीं, और कथा सुनत सुनत एक दिन भगवान रो घरे पूजा का कोठरी में प्रकट हो जाए, का मांगे लिस्ट में नहीं ले बनी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी के वंदना गोस्वामी जी कहनी जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जिनके कृपा से निर्मल मति मिलेला, जिनका कृपा से निर्मल बुद्धि मिलेला, भगवान से मांगे वाला एक एक वस्तु बा, भगवान से सद्बुद्धि मांगे के चाहिए। आज बुद्धि के खराबी के कारण बटन लाल सर नाम के एगो बड़ा ज्ञानी भैले, वो एगो अपन लेख लिखले हैं, उम्र है नॉलेज और विजडम। नॉलेज कहा विजडम कहा, एगो तो ज्ञान होला परम ज्ञान, और एगो संसारी ज्ञान होला जगह के बड़ा ज्ञानी मानल जाला। संसार के दृष्टि से लोगों करे के ज्ञान समझ लेवेला, और दूसर होला विजडम जरा के विवेक कहल जाला। बटन दरअसल लिखलक कि आज इस संसारी ज्ञान के कमी केहू का लगे नहीं खे, कमी बा तो विवेक की कमी बा। ये संसारी ज्ञान का करेला कि रवा कहीं जाता नहीं, रास्ता में मिश्रा जी मिल गनी और हाल चाल पूछाइल। मिश्रा जी कहनी कि शर्मा जी के का हाल बा, तो रवा कहते अरे मत पूछी उनका बारे में, तो रवा के तो गरियावत रहे। अब उन्हें वहां का गई नहीं तो भेटा गली शर्मा जी। मिश्रा जी के का हाल बारे मत कहीं, अब वही तो रवा के गरियावत रहे। ई बुद्धि हो, ये संसारिक ज्ञान हो, और विजडम का हो, विवेक का हो कि मिश्रा जी भेटनी और शर्मा जी के बारे में पूछनी, तो रोवा खदनी कि वहाँ का बड़ा अच्छा आदमी है, राउर हमेशा प्रशंसा करेनी, राउर बड़ाई करत रहनी हमेशा। तो वहाँ का कहे कि वहाँ का कहे ना बड़ाई करे, वहाँ अपने वहाँ का निमन आदमी है। और जैसे आगे शर्मा जी भेटनी बता देनी कि अभी तो मिल रही है मिश्रा जी, राउर बड़ाई करत रहनी। ये विवेक है। आज संसार में जितना उलझन बा, जितना तकलीफ बा, सब बुद्धि के खेल बा, सद्बुद्धि के अभाव हो गई बा। सद्बुद्धि के अभाव में हमने के अंदर पात्रता नहीं रहा था। सद्बुद्धि के जरूरत आदमी का होला, बिना सद्बुद्धि के कोनो काम ना चले। सद्बुद्धि के अभाव में आदमी आदमी से केकड़ा हो गई। एक जगह एगो शहर के आदमी गांव में गई लन, तो देख लें कि एगो मछली पकड़े वाला आदमी जाल डल रहे, और जाल में जब फंसे तो खाली केकड़े आ जासन, मछली ना आवे। केकड़वन के गो छैटी में ध के ऐसे ही रख दे रहे, ओकरा के तोपले ना रहे। शहर का आदमी का ना बुझाए, वो कहे लगले कि भाई मछुआरा, तू अतना ये घाम में धूप में मेहनत करता रहा, मछली पकड़ता रहा, मछली नहीं पकड़ा सन केकड़ा पकड़ता रहा, केकड़ा के तोप के काहे नहीं खराकत, केकड़वा भाग जाए सन। तो मछुआरा कहलक तो बाबू बुझाता रहुआ शहर में रहे नहीं, केकड़ा के स्वभाव से रुआ परिचय नहीं भैल अभी। वो कहले मतलब एक गो केकड़ा में से बाहर ना निकली, एक गो केकड़ा में से बाहर ना निकली, एक निकली तो दूसरों को टंगड़ी पकड़ के लटक जाये, और दूसर निकली तो तीसर का ओकर टंगड़ी पकड़ के लटक जाये। केकड़ा के स्वभाव, एगो बर्तन में केकड़ा धो दी, एको को बाहर ना निकल है सन, सब एक दूसरे के खिंचत रहे हैं। आदमी केकड़ा हो गई सद्बुद्धि के अभाव में, आदमी की स्थिति इतना खराब हो गई कि दूसरा शहर के लोग कितनो प्रगति करो, कितनो बड़ बन जाओ, आपन केहू नजदीकी ना बने के चाहे। अपना पटीदारी के, अपना पड़ोस के केहू मुखिया कैसे बन जाए, है MLA के इलेक्शन कैसे लड़ ली, टांग पकड़ के लटक ना जाए, इनके खींच के गिराइए थे। ये केकड़ा वाला स्थिति आदमी की हो गई बा,
भगवान आदमी के वरदान देश भी तो कैसे देश से लेवे खातिर हमने तैयार नहीं की, सद्बुद्धि के अभाव हुआ। शंकर भगवान पार्वती जी एक बार जात रहे लोग आकाश मार्ग से, नीचे जब गांव देख ली पार्वती मैया तो उनका मन में विचार आयल, गली कि हे भोलेनाथ तनी एक दूगो वरदान देते चली। शंकर भगवान कहने के वरदान ये लोग लेवे लायक नहीं है, कैसे लोग के वरदान दिया हो, दे तो दे बकरी पचा ना पाई लोग। पार्वती जी कहने की रुआ नहीं देवे के मन यही से बुझाता कि रुआ एवं कहता नहीं, चली चलल जाओ एक दूगो घर में दिया वरदान। पहुंच गनी एगो घर में, एगो पंडित जी रनी, एगो उनकर मेहरारू, एगो लड़का रहे छोटा। तो साधु साधुनी के भेष बना के शंकर भगवान वहां पहुंचनी और पंडितायन से कहनी कि हम वरदान देवे आयल बनी, एगो वरदान मांगला। तो कतरी साचो वरदान देव का भगवान कहनी कि हाँ मांग के देखा, एगो वरदान मंगिया। अब सोचे लगली कि अब का मांगी, हमने जितना आदमी संसार में बा रोज मंदिर पूजा पाठ करे जाला कि भगवान जी मिली है, बाकी मन में ये रहेला कि पता ना मिली है कि ना मिली है। अगर ये पता रहो कि भगवान जी मिल जाई है तब सोच के नु जाई आदमी की कहा मंगाई है, कहा मांगल जी भगवान से। मान ली कि कथा रो सुनत नहीं, और कथा सुनत सुनत एक दिन भगवान रो घरे पूजा का कोठरी में प्रकट हो जाई, कहा मांगे लिस्ट बनी ले बनी, कोनो लिस्ट बनल व नहीं बनल, भगवान जब आए तो रुआ घबरा जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। जुन कथा चलत रला वो कथा काल फिर आगे बढ़ी, आज कथा यही जब विराम दिया था। आए आज की कथा के समापन पर थोड़ा देर भगवान के कीर्तन सब लोग मिलके करें। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम, मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम, मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, मधुर मधुर बोल पतन गर्त में खो गया, आज देव तो तेरा कहां सो गया, देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया, आदमी आदमी को नहीं सुहाता। राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा, मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि अपने हृदय बसावा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा।